दोस्तों यहाँ साओ रिलीज हो गई और फिल्म की शुरुआती ऑक्युपेंसी तो 80-90% दिख रही है और सारे सिनेमाघर हाउसफुल दिख रहे हैं और इसमें आप भी जरूर इस फिल्म को देखने का मन बना रहे होंगे। तो चलिए आपको फिल्म देखने से पहले बताते हैं कि इस फिल्म को देखते वक्त आपको कौन सी बातें अच्छी लगेगी और कौन सी बातें बुरी दिखेगी। नंबर 1, दोस्तों यहाँ साओ आपको एक्शन के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। फिल्म के एक्शन सच में लाजवाब है और प्रभास के साथ साईफाई एक्शन देखने का मजा ही अलग है। साथ ही फिल्म के एक्शन को केनी बेट्स ने डायरेक्ट किया है जो कि हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर है, तो इसमें फिल्म के एक्शन सीन्स आपको काफी कमाल के दिखते हैं और इस फिल्म को एक्शन के दीवाने जरूर देख सकते हैं। नंबर 2, अब जिन्हें रोमांटिक फिल्में देखना पसंद है उन्हें ये फिल्म थोड़ी निराश कर सकती है। हालांकि इस फिल्म में काफी सारे रोमांटिक सीन है, साथ ही काफी रोमांटिक सॉन्ग्स भी है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म थ्रिलर में इतनी ज्यादा फंसी दिखती है कि आपको रोमांस देखने का मजा ही नहीं आता है। साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस का किरदार काफी ज्यादा हल्का फुल्का दिखा जिसे देख आप उतने खुश नहीं होंगे। नंबर 3, अब दोस्तों जिन्हें फिल्मों में विलन्स और हीरो की फाइट देखने में काफी मजा आता है उन्हें ये फिल्म काफी मजेदार लगने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में काफी सारे विलन्स है और यह फिल्म के विलन्स को देख एक बार तो ऐसा लगने लगता है कि इस फिल्म में काफी बड़ी धमाचौकड़ी होगी। और वही फिल्म के विलन चंकी पांडे तो आपको खुशी कर देते है जिनकी अदाकारी एकदम बेमिसाल दिखी, और वही फिल्म में नील नितिन मुकेश का काम भी काफी अच्छा रहा, लेकिन चंकी पांडे ने तो अलग ही छाप छोड़ी है। नंबर 4, यदि आप बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में देख चुके हैं लाइक्स मार्वल की फिल्में, तो यहाँ आपको साहो के स्पेशल इफेक्ट्स काफी ज्यादा कमजोर दिखेंगे और जिन्हें देख आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ साहो 350 करोड़ के बजट की फिल्म है। ऐसे में यहाँ सबको उम्मीद थी कि फिल्म में काफी शानदार VFX वर्क देखने को मिलेगा, लेकिन फिल्म में हमें VFX वर्क काफी कमजोर दिखे और इसमें कहा जा सकता है कि फिल्म के VFX वर्क में उतना ज्यादा काम नहीं किया गया है। नंबर 5, अब दोस्तों यदि आपको थ्रिल से भरी फिल्में पसंद है तो इस फिल्म में आपको भर भर कर थ्रिल देखने को मिलेगा। फिल्म के शुरुआत से ही एक तरह से थ्रिल चालू हो जाता है जो कि फिल्म के लास्ट तक बना रहता है, तो ऐसे में ये फिल्म थ्रिल के मामले में काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन ये फिल्म की स्टोरी और भी ज्यादा शानदार हो सकती थी। नंबर 6, और दोस्तों इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी जो दिखी वो है फिल्म के डायरेक्शन। दोस्तों यहाँ इस फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है जिनकी ये दूसरी ही फिल्म थी, तो इसमें यह फिल्म के डायरेक्शन काफी ज्यादा कमजोर दिखे और इसमें फिल्म का डायरेक्शन और भी ज्यादा शानदार हो सकता था, पर इसमें कहा जा सकता है कि फिल्म के डायरेक्शन में अनुभव की कमी साफ खली है। तो यह मिला जुला कर कहा जाए तो फिल्म साहो काफी ज्यादा शानदार है और ये फिल्म आपको अच्छी ही लगेगी, लेकिन यह सबका नजरिया अलग अलग होता है, तो इसमें देखने वाली बात होगी कि सबको ये फिल्म कैसी लगती है। और यदि आप साहो देखने जाने वाले हैं तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।